चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ साथ जिस तरह से वाहन चोरों को पकड़ रहे हैं और चोरी के वाहनों को दस्तयाब कर रहे हैं, इन जवानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं डीसीपी ने बताया कि जो जो ट्रैफिक के जवान अच्छा काम करते हैं उन लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। इसको लेकर डीसीपी प्रहलाद सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह ने। पुलिस जहां एक तरफ यातायात को सुचारू संचालन करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार कुछ दिनों से ये बात भी देखने को मिल रही है कि ट्रैफिक के जवान जो चोरी हुई हुई गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को भी पकड़कर संबंधित थाने को सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसे में जो डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह कश्निया है वो इस पूरे जो ट्रैफिक के जवानों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से बाकायदा जो जवान है उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। क्यों डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे ट्रैफिक संभालना साथ साथ में आरोपियों को भी पकड़ना बड़ा काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे पूरे स्टाफ ने हमने एक रणनीति तय की कि जब कोई व्हीकल हमारे यहां से निकल रहा है और उसके अंदर कोई संदिग्ध तरह का प्राणी, व्यक्ति, चालक या उसके साथ बैठी सवारी जिसका व्यवहार हमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है हमारी ट्रेनिंग हमारे व्यवहारिक अनुभव के आधार पर, तो हम उसके पेपर्स चेक करते हैं। पेपर चेक करने के साथ में आजकल डाटा पे पूरी चीज रहती है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल किस मालिक की है, तो हम उसके मालिक से बात करते हैं। मालिक से बात करते ही हमें पता चल जाता है कि यह व्हीकल चोरी हुआ हुआ है, तो हम मोस्टली वहीं की वहीं कार्रवाई कर संबंधित थाना को सौंप देते हैं। पिछले तीन महीने में हम लगभग 50 मोटरसाइकिल्स जो कि चोरी की थी उनको सुपुर्द कर चुके हैं और कुछ के अंदर हमने उनके साथ में जो मुलजिम हमारे गिरफ्त में आए उनको भी दे दिया है, और साथ में एक्सटेंड करके जो गाड़ियां भाग रही हैं उन गाड़ियों को भी हम डेली ही 2-4 गाड़ियां हमारे द्वारा जब्त की जाती हैं और उसके संबंध में ट्रैफिक का जाब्ता जो मुस्तैदी से कार्रवाई करता है मेरे द्वारा उनको रिवार्ड रोल और प्रशंसा पत्र भी दिए जा रहे हैं जिससे कि उनके अंदर इस तरह की कार्रवाइयों के प्रति और भी भावना बनी रहे। सर, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है काफी बेहतरीन काम है। सर, एक देखा जाए तो जयपुर शहर में जिस तरह से यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने का काम जो ई रिक्शा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, लगातार जगह जगह जाम भी लगता हुआ नजर आ रहा है। ई रिक्शा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, फाइनल नतीजा नहीं निकल पा रहा है। सर, इसके संबंध में हमने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट साहब और RTO साहब साथ में नगर निगम JDA हम लोग इसके संबंध में एक मुख्य नीति बनाने में लगे हुए हैं जिसमें कि ई रिक्शाज के लिए एरिया निर्धारित कर दिया जाए और एरिया निर्धारित करने के बाद में उनके परिवहन का मार्ग निर्धारित कर दिया जाए जिससे कि वो लोग उस एरिया में नियंत्रित रूप से काम कर सकें। और साथ में ही RTO से भी हमने जो डाटा लिए हैं उसमें यह हमारे सामने आया है कि पर मंथ जयपुर शहर के अंदर 20,000 व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं और वो रजिस्टर होने का मतलब वो जयपुर शहर की सड़कों पर ही जुड़ रहे हैं। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए ई रिक्शा के लिए मोस्ट प्रोबली आने वाले 5-7 दिन में हम पहुंच गए हैं। उसमें उनके स्टैंड्स, उनके परिवहन का मार्ग और किस तरीके से वो उसको संचालित होंगे उसके बारे में, उनकी वर्दी, उनकी ड्रेस क्या रहेगी, यह आपको सामने देखने को मिलेगा और यह भी काफी नियंत्रित रूप में दौड़ेंगे, ये हमारा प्रयास है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में DCP ट्रैफिक प्रहलाद सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था सुचारू करने के साथ साथ जो चोर पकड़ने का भी काम कर रहे हैं, जो जो लोग ये पूरा काम को अंजाम देते हैं उन लोगों को बाकायदा प्रशंसा पत्र और रिअवॉर्ड भी प्रहलाद सिंह कश्निया की तरफ से दिया जाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज, जयपुर।